नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। बाहर ही रहना, अंदर आओ ही मत, जो भी है बोल दो अभी। मेरी बात का बड़ी परवाह नहीं, क्या मेरे चुके हैं। थोड़ा सा अंगूर दो, उसमें से सेव दो। सब सामान हुआ, थोड़ा सा ना ये डब्बे में से बिस्कुट निकाल दो, ऐसे चुल्लू में थोड़ा सा बिस्कुट। वो ब्रेड वाला बिस्कुट है, बोले मैं बोले क्या ये अपना कार्टून तैयार हो गया है। सेव हो गए, ब्रेड हो गई, बिस्कुट हो गए, ठीक है। रोटी रख दी है, केला रख दिए हैं, फल पूरा हो गया, ठीक है। अब ये कार्टून कंप्लीट हो गया, ऐसे ही सारे कार्टून बनाइएगा, ठीक है। बना बना के अपने सब एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। निधि देव अग्रवाल। निधि जी, आपने जीव तो जीव जंतु के लिए भी एक किचन चालू किया है, क्या नाम है इस किचन का और क्या व्यवस्था है इसमें? देखिए ऐसा है, प्रथम दिन से जब से लॉकडाउन हुआ, मानव सेवा में तो हमारी संस्थान शुरू से ही लगी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता गया तो हमने ये देखा कि सड़कों पे जैसे कुत्ते हैं, गाय हैं, और मंदिरों के आसपास बंदर हैं, कुछ कॉलोनियाँ हैं जहाँ काफ़ी बंदर होते हैं, ये एकदम अचेत अवस्था में मिलते थे और जब देखिए तो बेचारे एकदम अस्वस्थ से दिखते थे। तो उस दिन एक मन में ख्याल आया कि इनके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में सभी चीज़ देखने में सुंदर होती, तभी सृष्टि सुंदर लगती है। तो हम लोगों ने एनिमल किचन की स्थापना की और शहर के अंदर जितने तालाब, पोखरे और जो भी हैं जहाँ की मछलियाँ भी हैं, तो ये भी जीव हैं।